हेलो दोस्तों, दिस इज़ नवीन कुमार पांडे और मैं अभी रेलवे में जेई के पद पर कार्यरत हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि रेलवे आरआरबी जेई में जो अपकमिंग वैकेंसी है 2023 की, उसमें CBT 2 के बारे में हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे हमको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, और टेस्ट सीरीज वगैरह क्या देने हैं जिससे कि हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो उसके लिए हम क्या क्या पढ़ेंगे, कहाँ से क्या रिसोर्सेज फॉलो करेंगे, तो आज हम उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम CBT 2 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि CBT 2 का सिलेबस क्या होना चाहिए जेई के लिए। तो उसमें आपके जनरल अवेयरनेस आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं 15 मार्क्स के, फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस के आपके आ जाते हैं क्वेश्चन 15 मार्क्स के, और एक कंप्यूटर का भी एक सेक्शन रहेगा 10 मार्क्स का रहता है। और इसमें इन्वायरमेंट का जो सेक्शन होता है, बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंटल एंड पोल्यूशन, वो अकेले 10 मार्क्स के आते हैं। और उसके बाद आपके 50 नंबर के हो गए, और 100 नंबर के पूरे आपके प्योर टेक्निकल क्वेश्चन CBT 2 में मिलेंगे, जो कि सारे ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे। तो नॉन टेक की बात करें तो नॉन टेक का बात हमने CBT 1 वाले के स्ट्रेटजी में किया है। बस ये है कि डिफरेंस कि CBT 1 का जो लेवल होगा वो CBT 2 के लेवल से थोड़ा सा कम रहता है। CBT 2 में आपका थोड़ा हार्ड आता है क्वेश्चन, हल्का सा हार्ड आएगा। और CBT 2 की बात करते हैं तो जनरल अवेयरनेस अगर आपका 15 मार्क्स का है तो उसमें करंट अफेयर के ज़्यादा वेटेज रहेंगे, फिर आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ये सब मिक्स करके सारे आएंगे। और सबसे ज़्यादा इसमें फोकस करने की बात है आपको इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन की। और इसमें 10 मार्क्स में आपको बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हैं और आराम से 10 में से स्कोर कर सकते हैं अच्छा खासा। और कंप्यूटर है जो कि आपके लिए प्लस पॉइंट है कि कंप्यूटर के सिलेबस बहुत ज़्यादा होते नहीं हैं, आप कंप्यूटर सेल्फ स्टडी करके आराम से कोई भी एक बुक लेके उससे आप पढ़ सकते हैं, उससे आराम से आपका ज़्यादातर क्वेश्चन 90% क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो अब इसमें मेन आपको स्कोर करना है कि उस वो है टेक्निकल में। तो हम सबसे पहले टेक्निकल के बारे में बात करेंगे कि टेक्निकल में आपके सिलेबस क्या क्या होंगे, क्योंकि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ने हैं। टेक्निकल में सारे चीज़ आ नहीं रहे हैं, कुछ उसमें पढ़ने हैं कुछ उसमें छोड़ने हैं। तो टेक्निकल की बात करते हैं तो टेक्निकल में आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आ जाता है और मटेरियल साइंस आएगा। सबसे ज़्यादा इसमें इसका वेटेज किसका है, वो है प्रोडक्शन यूनिट का। प्रोडक्शन जो पार्ट है आपके, जैसे मशीनिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, ग्राइंडिंग है, फिनिशिंग है, मेट्रोलॉजी है, तो ये आपके ज़्यादा वेटेज रखेंगे। बाकी आपके सोम हो गए और मटेरियल साइंस हो गए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया और फ्लूड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन्स हो गए, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट हो गए, थर्मल इंजीनियरिंग हो गए, तो ये सब पार्ट आपके CBT 2 के सिलेबस में रहेंगे। और जहाँ तक कि हम CBT 2 की बात करते हैं तो आपके क्वेश्चन गेट की तरह न्यूमेरिकल पार्ट इसमें नहीं होते हैं। इसमें ज़्यादातर 95 या 98% थ्योरेटिकल पार्ट होते हैं, एक आध अगर न्यूमेरिकल आया तो वो भी आपका आसानी से बन जाता है। तो आपके सारे थ्योरेटिकल पार्ट एक तो आते हैं, तो आपको मेनली थ्योरी पोर्शन पे फोकस करना पड़ेगा। तो थ्योरी पोर्शन पे फोकस करने के लिए आपको आपको चाहिए कि अच्छा मटेरियल होना चाहिए, स्टडी मटेरियल। उसके लिए आप मेडिजी के हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं, मेडिजी के भी जो बुक्स वगैरह होते हैं वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक ऑथेंटिकेशन होता है कि बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करते हैं वो लोग टेक्निकल के मामले में। तो टेक्निकल वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं। और अगर बाहर से बुक्स की बात करते हैं तो आप बाहर बुक्स भी लेके आप उसको पढ़ पढ़ के लाइन बाय लाइन आप उससे वहाँ से तैयार कर सकते हैं, लेकिन यह है कि मेडिजी के कंटेंट आपको इजिली अवेलेबल हो जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स भी हो जाएगा और उसके सब्जेक्ट वाइज बुक्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप बुक्स लेने के बाद आपको क्या करना है कि आपको बगल में सिलेबस रखना है, जो जो टॉपिक सिलेबस का एक लाइन बाय लाइन सिलेबस दिया है उसको टॉपिक को पूरे पढ़ने हैं। और आपको एक सिलेबस का सबसे पहले आपको एक प्रोफार्मा बना लेना कि इतना ही हमको पढ़ना है, उससे ज़्यादा फालतू इधर उधर नहीं पढ़ना है। उसके बाद अब आपका थ्योरी पोर्शन हो गया, अब आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए कौन कौन से बुक से हम आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उसके लिए है आपका सबसे पहले आरके जैन एक बुक है, आरके जैन का बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस जैसे एक चैप्टर लगा है उस चैप्टर का क्वेश्चन आप आरके जैन से कर लीजिए, RS खुरमी है उससे कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अभी बहुत टाइम है। अभी जैसे एग्ज़ाम आएगा फिर CBT 1 होगा तब CBT 2 होगा, तो आप RS खुरमी आरके जैन भी कर सकते हैं। और मेडिजी का एक SSC JEE के नाम से एक बुक आता है, उसमें प्रीवियस ईयर होते हैं, उसमें आप जो है वन लाइनर जो क्वेश्चन है वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं।
एसएससी जेई के क्वेश्चन को। तो ये तीन बुक आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। आरके जैन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपके थ्योरी पार्ट में आपके कवर नहीं होंगे। वो चीज़ आप अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ पे वो चीज़ कवर हो जाएंगे, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। पता चला कि वो आप लगाए नहीं है तो आप नहीं कर सकते उसको, इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़रूरी है पढ़ना। तो आप आरके जैन, आरएस खुरमी और मेडी जी के एसएससी जेई के क्वेश्चन पेपर से, वो आप तीन प्रीवियस ईयर के पेपर रख लीजिए, उससे आप करना है आपको। और जो जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, क्योंकि अब तो जेई का टेक्निकल पूरा अलग आता है, तो आप मैकेनिकल का पिछले साल का, जेई का जितने भी दो सेट में आए थे वो सारे क्वेश्चन रख लीजिए। और पहले के जो भी पीएसयू के क्वेश्चन, तो आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये आरके जैन ये सब मोर देन सफिशियंट है। तो आप वहाँ से पहली बात तो आप थ्योरी पहले की लगाए, फिर क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस किया, उसके बाद अब बारी आती है कि टेस्ट सीरीज की। तो टेस्ट सीरीज आपको अलग अलग जगह से कहीं से भी ले सकते हैं, जैसे टेस्ट बुक का ले सकते हैं, ग्रेड अप का ले सकते हैं। जब वैकेंसी आ जाती है तो मेडिजी भी बनाती है आरआरबी जेई के लिए, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो मेनली आपको क्या है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज देने से आपको ये पता चलेगा कि आपने गलती कहाँ किया है, क्योंकि गलती को एनालाइज करना बड़ा ज़रूरी होता है कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में, क्योंकि माइनस मार्किंग होती है आपको, ज़्यादा क्वेश्चन माइनस मार्किंग में देने नहीं है। तो आपको इसमें फिर गलती कम करनी है, तो उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। अब आपने टेस्ट सीरीज दिया, वहाँ से क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं उसको नोट करिए, उसको फिर थ्योरी के आप थ्योरी नोट्स में जाइए, देखिए, उसके बारे में पढ़िए, वहाँ से वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अगर जो क्वेश्चन ऐसे लगते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रटने वाले क्वेश्चन हैं, जैसे आरके जैन में ऐसे कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आप थ्योरेटिकल से उसका कोई वो नहीं रहेगा, उसको डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा। तो उसको नोट कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए वहाँ से कि हम उसको कैसे करेंगे। तो टेस्ट सीरीज से आपको एनालाइज करेंगे आप, हमारा स्कोर कितना आ रहा है, हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे क्या कर सकते हैं। तो आपको इतना चीज़ तो करना ही है, उसके बाद जब इतना आप कर लेंगे आपको खुद ही इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। और इतना करने के बाद आप डेफिनेटली जो है जेई का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। बाकी आपको कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा और सारे कंटेंट। मैं भी कुछ वीडियो डालूंगा इसमें, टेक्निकल से, टेक्निकल नॉन टेक के जितने भी हैं, कुछ मैं भी क्लास नोट्स और ऐसे इस तरह के क्वेश्चन जितने हैं प्रीवियस ईयर के, ये भी मैं डालूंगा। तो आप एक पर्टिकुलर चैनल बना के कि कहाँ से हमको पढ़ना है, कहाँ से क्या फॉलो करना है, 10 जगह इधर उधर नहीं जाना आपको। आप अपना बुक लेके सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, और यूट्यूब से कहीं से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लिया, नए जो क्वेश्चन कोई आ रहे हैं वो आपने फॉलो कर लिया, आपने प्रीवियस ईयर का लगाया, आपने टेस्ट सीरीज दिया, उसके बाद जाके आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। और आरआरबी जेई जो 2023 की आएगी, उसके लिए अगर कट ऑफ की बात करें कि लगभग कितने पे, तो कोई भी एग्ज़ाम गवर्नमेंट के हो जाए, टेक्निकल में ज़्यादातर, तो कम से कम आपको 70 से 75% मिनिमम मार्क्स तो लाने ही हैं सिलेक्शन के लिए। अगर 150 का हो रहा है तो आपको कम से कम 105 तो स्कोर करने ही हैं, क्योंकि जोन वाइज कट ऑफ अलग अलग चले जाते हैं, हो सकता है आपके जोन का कट ऑफ अलग ज़्यादा चला जाए, इसलिए आपको मिनिमम रॉ मार्क्स जनरल के लिए, कैटेगरी अगर मैं बात करूँ तो जनरल कैटेगरी के लिए आपको 105 से ऊपर तो लाने ही हैं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। तो लोग अब तैयारी करना शुरू भी कर दिए हैं, तो आप भी शुरू करिए, पीछे रहने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो आप कम से कम 105 को ऊपर टारगेट आपको बना के चलना ही है, चलना है कि 100 मार्क्स टेक्निकल के, 50 नॉन टेक के। अगर आपने 50 नॉन टेक में कम से कम 30 से 35 स्कोर कर दिया, तो आप यहाँ से 100 में 80 तो कर ही दोगे। तो 80 और 30 आपके 110 बन जा रहे हैं, 35 आए तो 115 बन गए। तो यहाँ से आप बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका कंप्यूटर में पूरा स्कोर कर सकते हैं, इन्वायरमेंट में कर सकते हैं, साइंस में कर सकते हैं। आप जनरल अवेयरनेस 15 में, यहाँ मान लीजिए आपका 8 ही सही हुआ, कोई बात, 8 ही 50% भी आ गया, बहुत है मार्क्स उसमें। तो ये 40-50 नंबर के जो क्वेश्चन हैं उसमें आपको कम से कम 30 से 35 मार्क्स, 35 मार्क्स तो लाने हैं, तभी यहाँ पे आपका 75 आएगा। तो 75 और 35 आपका 110 मार्क्स टोटल हो जाएगा। तो यहाँ से फिर आपका सिलेक्शन फिर होना निश्चित होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। तो आप लोग तैयारी करते रहिए और अभी से शुरू कर दीजिए, और जो मेरे से जो हो पाएगा, मैं वीडियो इस पे कंटेंट कुछ ना कुछ डालता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच।